सो कश्मीर के अपकमिंग स्टूडियो एल्बम जिसका नाम है करम, उसका सेकेंड सिंगल ऑफिशियली आउट हो चुका है। एक्चुअली ये कुछ दिन पहले ही रिलीज हो गया था, जो ऑडियो है वो रिलीज हो गया था, बट आज हमें इस ट्रैक का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो देखने को मिला। माँ कसम मैं आता वहाँ से जाते कंधा दे तू तेरे कंधे काटे आंखें चोरी कर तुम्हारे आंखें तेरे अंदर चाटे मारे अंदर चाटे कर ले। No doubt at all, this album by Kashmir is one of the most anticipated album ever in Desi Hip Hop. इस एल्बम का जो पहला ट्रैक था, जो पहला कोलैबोरेशन था, वो था एमसी स्टैन के साथ, जो हमें ऑलरेडी कुछ महीने पहले देखने को मिला था। और सेकंड ट्रैक जिसका स्निपेट हम लोगों ने बहुत पहले सुन रखा था, वो फाइनली अब रिलीज हो चुका है विद म्यूजिक वीडियो, और इसमें हमें कश्मीर का कोलैबोरेशन देखने को मिला है विद सीधे मौत। तो जैसा कश्मीर ने हमें ऑलरेडी हिंट दे दिया था या फिर बताया था कि ये एक कॉन्सेप्ट एल्बम होने वाला है और इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। और एग्जैक्टली अगर तुमने पहला ट्रैक सुना है जो कि ये हाथ वर्ती एमसी स्टैन का, तो उसमें और इस ट्रैक में तुम्हें कुछ रिलेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। इस ट्रैक का जो म्यूजिक वीडियो है वो क्रेजी है। लाइक भाई, जब मैंने म्यूजिक वीडियो देखा ना, मेरा प्लान नहीं था एक्चुअली इस ट्रैक के ऊपर या फिर इस गाने के ऊपर अभी वीडियो बनाने का, ठीक है, बट जब मैंने म्यूजिक वीडियो देखा ना, आई वॉज लाइक भाई क्या क्रेजी म्यूजिक वीडियो है, और भाई मैं खींचे चला गया कि भाई वीडियो तो बनाना पड़ेगा। ओके, सो इस वीडियो में हम कश्मीर एक्स सीधे मौत भुस्सी को रिव्यू करने वाले हैं, और हम ये देखेंगे कि ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। तुम लोग इस वीडियो में आगे जाके मालूम चलेगा कि कैसी कश्मीर के म्यूजिक और सीधे मौत के परफॉर्मेंस ने जादू फूंक दिया है, मतलब जादू सा कर दिया है इस ट्रैक में। और भाई, जो म्यूजिक वीडियो की बात मैंने ऑलरेडी करी, भाई म्यूजिक वीडियो की क्या ही बात करूं मैं। हम अच्छे से सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरे ट्रैक को हम वॉक थ्रू करेंगे, कश्मीर के म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इवन करण कंचन का भी म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सीधे मौत की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूजिक वीडियो, स्टोरी लाइन, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, फॉर श्योर एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ये चेक करो, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। So, अगर तुम लोग भी म्यूजिक प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखते हो और कश्मीर भाई की तरह म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने की सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जर्नी की शुरुआत हो सकती है। हम लोगों ने मैंने ग्राफी बाय अनअकैडमी के साथ कोलैबोरेशन किया है और लॉन्च किया है एक FL स्टूडियो का कोर्स, जहां तुम्हें बिगिनिंग से लेके एंड तक म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाएगा, कैसे बीट बनाना है, कैसे FL पे वोकल रिकॉर्ड करने हैं, कैसे अपने वोकल को प्रोसेस करना है, सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक। अगर तुम्हें म्यूजिक थ्योरी नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी म्यूजिक थ्योरी के तुम यहाँ पे बीट बनाना सीख सकते हो। सो इसकी प्राइस हम लोगों ने रखी है 1999, पर स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए हम लोगों ने डिस्काउंट दे रखा है, जो कि है सिर्फ, मतलब अभी अगर तुम ये बाई करते हो ये कोर्स, तो ये तुम्हें मिल जाएगा सिर्फ 999 रुपीज पे, 999 रुपीज पे, 999, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, इससे बेटर ऑफर, इससे बेटर कोर्स में पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे डिटेल्स है, एक बार चेक करो, पूरे तुम वेबसाइट चेक कर सकते हो हम लोगों की, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन करो, और सी यू गाइस इन द कोर्स। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन और फिर हम ट्रैक के वॉक थ्रू स्टार्ट करेंगे। तो जैसा तुम सबको ऑलरेडी पता है, दिस इज द सेकंड सिंगल फ्रॉम द अपकमिंग एल्बम, स्टूडियो एल्बम बाय कश्मीर, ठीक है, जिसका नाम होने वाला है करम। म्यूजिक प्रोड्यूस करा है कश्मीर और करण कंचन ने। आर्टिस्ट हमें देखने को मिले हैं, रैपर्स देखने को मिले हैं सीधे मौत, और जो म्यूजिक वीडियो है वो बनाया है लॉस्ट फिल्म्स ने। और अगर तुम लोग को नहीं पता है, तो जो रफ्तार और प्रदीप का ट्रैक आया था ट्रैप प्रा, उसको भी बनाया था लॉस्ट फिल्म्स ने, और उन्हीं के साइड से हमें इस ट्रैक का भी म्यूजिक वीडियो देखने को मिला है। सो भाई, मैं समझ आ रहा होगा क्यों मैं म्यूजिक वीडियो के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है, और जो पहला सीन है ट्रैक का, मतलब म्यूजिक वीडियो का, बहुत ही ज्यादा फनी है। तुम्हें कश्मीर भाई देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, उन्होंने मूंछ लगा रखा है और न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा फनी कि वो हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। गर्मी में पीते हैं ठंडा जूस, लो पेश करता हूँ गर्मा गर्म न्यूज। और इसके बाद कश्मीर भाई बोलते हैं, वो न्यूज एंकरिंग कर रहे होते हैं और वो न्यूज प्ले कर रहे होते हैं कि कैसे जगह पे रॉबरी का इवेंट हुआ है, रॉबरी हुआ है, ठीक है। और ये जो पूरा ट्रैक है, इसकी पूरी थीम, अगर तुम लोगों ने ऑडियो सुना था तुम्हें पता होगा कि पूरा ट्रैक रॉबरी पे बेस्ड है। इसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है कश्मीर के मेलोडी और क्रेजी ड्रम पैटर्न के साथ, और पहला वर्स हमें
ऑनकोर का देखने को मिलता है। आदत जेबे हैं फटी तो मैं जनाब अब लेके चलता लॉन्डो को जो पुस्सी भर दे आकर तेरे बाप अब है खड़े तो ना दिखा तू ताकत। और अगर तुम यहाँ पे म्यूजिक वीडियो पे ध्यान दो तो म्यूजिक वीडियो में जो रॉबर्स होते हैं वो डकैती करने के लिए बैंक में आते हैं और बैंक में रॉबरी का सीन हमारे सामने दिखाया जाता है। और पहले वर्स में हमें ऑनकोर और काम का दोनों का वर्स का ब्लेंड देखने को मिलता है। वर्स के बीच में ही हमें काम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और काम का वर्स भी हमें सुनने को मिलता है। चौड़ी छाती पिटा चौकीदार भी मुकदमा की गाली इसकी चैन छीन सुबह करी मार पी। और अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो ना तो लिरिक्स में भी जो रॉबरी है उसको बिल्डअप किया जा रहा है। लाइक जब मैंने इस ट्रैक को ऑडियो सुना था ना तो ऑडियो सुनते ही मैंने जो विजुअलाइज किया था वो रॉबरी ही आया था। मतलब ये पूरा गाना रॉबरी के थीम पे ही लिखा गया है, उसी थीम पे ही बनाया गया और उसी थीम को फॉलो कर रहा है। साथी बोला आगे पीछे देखे चलो पैसे लेते भागियो तू उतारियो ना वो कपड़ा मुंह से चाहते नहीं कि भांडा फूटे कपड़ा डाल। और अगर तुम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दो तो ऑनकोर और काम जो है ना उन्होंने रॉबरी में पार्टिसिपेट कर रखा है, मतलब उन्होंने रॉबरी कर रखी है और वो उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये जो रॉबरी है उन्होंने पहले कर ली और अब एक तरह से ऐसा सिचुएशन बनाया गया है कि उस रॉबरी को वो दोबारा से सुना रहे हैं और इसलिए वो उस इंसिडेंट में वहां पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, और सारी जो इंसिडेंट है वो हो रही है। और इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। और फिर हमें ट्रैक का सेकंड वर्स देखने को मिलता है। सेकंड वर्स में अगेन हमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्शन देखने को मिला है, तुम्हें कुछ प्रिकॉशन यूज देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही तगड़े साउंड कर रहे हैं। पायल की आवाज, ग्लास की आवाज, ये सब यूज कर रखा है जो कि कश्मीर के प्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि अगेन बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है सुनने में। और काम का जो वर्स था ना इसमें वो मुझे पसंद आया, ठीक है। और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन था बीट का और सीधे मौत के लिरिक्स का, भाई क्या क्रेजी साउंड कर रहा था। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी ये है कि ऑनकोर और जो काम है ना वो एक्चुअली रॉबर्स के टीम से ही मिले हुए थे, बट उनके जो रॉबरी का प्लानिंग था वो ये था कि वो पहले वहां पे आम आदमी बन के जाएंगे, वो बैंक में पहले से प्रेजेंट रहेंगे और क्या बोलते हैं जब रॉबर्स आएंगे वहां पे क्या बोलते हैं लूटने के लिए तो वो उसके बाद उनके साथ मिलके बैंक लूटेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। बट हाँ, अगर तुम स्टोरी लाइन देखो, वीडियो देखो, तो लास्ट में काम और ऑनकोर एवीजे जो है वो बैंक को लूट के निकल जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमें ट्रैक का फिर से हुक पार्ट सुनने को मिलता है। छोटा सा स्किट भी प्ले होता है जो कि थोड़ा सा फनी है और जो वीडियो है वो खत्म हो जाता है। ओ सीनियर मुझे मत मारो, मैं बेबी बच्चों वाला आदमी हूँ, तीन तीन बेबी आए, 10-15 बच्चे हैं मेरे। ओके, सो दिस वाज इट। हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया म्यूजिक वीडियो के साथ, अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रखा है कश्मीर ने और उसके साथ करण गंजन ने। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ ना कि जो सेकंड प्रोड्यूसर है उसका नाम जो है वो कश्मीर मेंशन नहीं कर रहा है। लाइक अगर तुम पहला ट्रैक देखो तो उसमें भी हमें फेनम देखने को मिले थे, बट फेनम का नाम नहीं था पहले। मतलब फेनम के बारे में कुछ बताया नहीं गया था कि वो भी उस ट्रैक में होने वाले हैं, बट जब ट्रैक रिलीज होने वाला था तब हमें पता चलता है कि फेनम भी है उस ट्रैक में। अगेन इस ट्रैक के साथ भी वैसा ही हुआ है कि करण कंचन का नाम नहीं था पहले कहीं पे, बट जब ट्रैक रिलीज होने वाला था तब हमें पता चलता है कि करण कंचन भी है एज अ सेकंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। सो यहाँ पे कश्मीर एक चीज कर रहे हैं ना कि उनका जो कश्मीर का साउंड है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और कश्मीर को देसी हिप हॉप के साथ ब्लेंड होना है, देसी हिप हॉप म्यूजिक को म्यूजिक के साथ ब्लेंड होना है, तो वो उन प्रोड्यूसर्स को लेके चल रहे हैं जो उस ट्रैक की वाइब में सेट होते हैं, जो उस ट्रैक की वाइब क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमने देखा हो तो जो हाथवर्ती थी उसमें हाथवर्ती जो ट्रैक था उसमें मिर्ची जैसा वाइब आ रहा था क्योंकि मिर्ची को फेनम ने प्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो वो वाइब लाने के लिए उन्होंने फेनम के साथ काम किया। एंड अगेन करण कंचन ने भी सीधे मौत के साथ काम कर रखा और ऐसे ट्रैक करण कंचन ने दे रखे है। सो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पे करण कंचन को लेके आए कश्मीर और उनके साथ मिलकर म्यूजिक प्रोड्यूस किया वो वाइब क्रिएट करने के लिए, वो एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए। और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी है। हमें कश्मीर के प्रॉपर म्यूजिक अरेंजमेंट्स, जो प्रिकॉशंस थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो मेलेडी थी, फ्लूट थे, वो देखने को मिले। उसके साथ साथ करण कंचन का भी फ्लेवर थोड़ा बहुत, जो हिप हॉप बीट होता है करण कंचन का, उसका फ्लेवर भी हमें इस ट्रैक में देखने को मिला। और ओवरऑल अगर हम बीट की बात करें, भाई क्या बैंगर बनाया है बीट और क्या तगड़ा बीट बनाया है। और ऐसी ही प्रोडक्शन अगर हमें देखने को और भी मिलती है ना फ्यूचर में इस एल्बम में, जो मिलेगी ही मिलेगी, तो भाई इस एल्बम के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कश्मीर भाई मतलब क्या ही बीट बना रहे हैं, ठीक है, बैंगर बैंगर 10/10।
चलो हम लोग आ जाते हैं सीधे मौत के परफॉर्मेंस में। तो सीधे मौत को रेज के लिए जाना जाता है, एनर्जी के लिए जाना जाता है, और एग्जैक्टली वही एनर्जी वही रेज उन्होंने इस ट्रैक में फूंक दी है, इस ट्रैक में डाल दी है। पहले तो ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत पसंद आया। अगेन जो पहला ट्रैक था इस एल्बम का जो था हाथ वर्ती, उसके साथ ब्लेंड हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि ये ट्रैक पहले है एल्बम में या वो ट्रैक पहले है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बहुत जा रहा है। उसमें जो एमसी स्टैन है वो क्लब में घुस के तोड़ फोड़ करते हैं और इसमें रॉबरी होता है, रॉबरी का सीन होता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, भाई दोनों रैपर्स ने लाइक ऑनकोर ने काम ने किल करा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। हुक थोड़ा सा बेटर हो सकता था मुझे ऐसा फील होता है, बट उसके अलावा सब कुछ बढ़िया था। आई लव द ट्रैक, आई लव द परफॉर्मेंस बाय सीधे मौत एज वेल। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रैक, होल म्यूजिक वीडियो, जो था म्यूजिक वीडियो जो कि बनाया है लॉस्ट फिल्म्स ने। भाई क्या म्यूजिक वीडियो है, लाइक भाई कितना तगड़ा प्रोडक्शन है म्यूजिक वीडियो का। जो आइडिया है, जो स्क्रिप्टिंग की है या फिर स्किट है, स्टार्टिंग में कश्मीर से न्यूज रिपोर्टिंग करवाना, लास्ट में जो स्किट का पार्ट था वो, बीच में पूरा सब कुछ जो रॉबरी सीन है वो रुक जाता है, पॉज हो जाता है, उसके बीच में सीधे मौत को सिर्फ मोशन में दिखाना, लाइक बहुत ही तगड़ा म्यूजिक वीडियो था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक वीडियो जो मैंने रिसेंट देखा है DHH में। रियली गुड जॉब इन म्यूजिक वीडियो, लव्ड इट। So, अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, बीट वाज रियली गुड, म्यूजिक वीडियो वाज रियली गुड, परफॉर्मेंस भी अच्छा था, बट शायद कहीं ना कहीं जो लूप वर्दीनेस थी ट्रैक की वो मिसिंग थी। हुक और बेटर होता ना तो ये ट्रैक मैं लूप पे प्ले कर पाता। ट्रैक को रिलीज हुए टाइम हो गया और मैंने ये ट्रैक को ज्यादा नहीं सुना है, 2-3 बार ही अभी तक सुना है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, ट्रैक मे बी ग्रो कर सकता है, बट शायद ये ट्रैक उतना लूप वर्दी नहीं है जितना सीधे मौत के और भी ट्रैक, जैसे नान चाकू, नमस्ते, 101 और भी बहुत सारे ट्रैक है, मुझे ऐसा फील हुआ। बट क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ट्रैक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लव दी ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू, और ये था क्या बोलते हैं करम का दूसरा ट्रैक। तुम बताओ करम के लिए कितने एक्साइटेड हो। आगे बहुत सारे रैपर्स से कोलैबोरेशन आने वाले हैं, रफ्तार का कोलैबोरेशन है, किंग का कोलैबोरेशन है, इसके बाद भाई का भाई है, यसराज है, बहुत सारे रैपर्स हैं, ठीक है, तो तुम कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ। ये ट्रैक तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ, मेरे किसी पॉइंट से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो प्लीज कमेंट करो। और अगर तुम FL स्टूडियो का कोर्स बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी में, मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखना चाहते हो, दिस कैन बी द बिगनिंग, सो ज्वाइन कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।